हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेडिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए जो है एक MPMSC की तरफ से बहुत ही बढ़िया न्यूज सामने आई है। आपको हम बता दें कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला था 19 सितंबर से, उसमें आप लोग शंका में पड़े हुए थे कि हमारा एग्जामिनेशन जो होगा या फिर डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, किस डेट को आगे बढ़ाई जाएगी। तो आप सभी को हम बता दें कि आपको अब चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MPMSU ने आज एक नोटिस जारी किया है जिसमें बताया गया है जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना था जो अभी नहीं हो रहा था, तो उसका जो है डेट जो है जारी कर दिया गया है। उसका डेट कब तक है ये भी मैं बताऊंगा, आपका एग्जामिनेशन कब से कब तक है ये भी मैं बताऊंगा। ओके, आप सभी को हम पहले भी बताए थे कि आपको जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन होंगे। आप लोग अफवाह मत फैलिए कि जो अफवाह फैलाई जा रही है कि आपका एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। ओके, तो दोस्तों देखिए, आज जो है 9 सितंबर 2024 मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा जारी निर्धारित परीक्षा समय सारणी के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि में आंशिक संशोधन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, संशोधित अधिसूचना क्रमांक मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय परीक्षा 2024 8626 जबलपुर दिनांक 2/8/24 पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन सितंबर 2024, जो सितंबर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसका जो है बताया गया है कब से कब तक जो है इसको और फॉर्म फिलअप होगा। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि आज जो है आपका लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन जो है इसको आगे की ओर बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर सितंबर 2024, MSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन सितंबर 2024। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम डेट तिथि 17/9/2024 तक तथा विलम्ब शुल्क के साथ 18/9/2024 तक निर्धारित की जाती है। आपको हम बता दें कि जो आपका परीक्षा फॉर्म भरना है वो 17/9 तक भराएगा, लेकिन जो है लेट फाइल के साथ जो है 18/9 तक फिलअप होगा। ओके, और आपका एग्जामिनेशन जो है 19 सितंबर से होना है। ओके, आपका फॉर्म फिल जो है वो आपको जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। आपको कॉलेज के कॉन्टेक्ट में रहिएगा तो आपको पता चलेगा कब से कब जो है आपका स्टार्ट है, क्योंकि हर एक कॉलेज में जो है एक साथ नहीं होती है। ओके, तो आप लोग जो है फॉर्म फिलअप के लिए अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट करते रहिए। तो आप सभी का जो है एग्जामिनेशन 19 सितंबर से ही होगा, इसमें कोई अब शंका नहीं है आपको। और हम साथ में बता दें कि जो BMLT के छात्र हैं उनको भी जो है, DMLT के जो छात्र हैं उनका भी जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है 17/9/24 से ही उनका जो है भी भराएगा, उनका भी एग्जामिनेशन जो है सितंबर में है। ओके, और 18/9 को जो है DMLT के छात्रों के लिए भी ये 18/9 तक जो है लास्ट डेट के साथ जो है लेट फाइन के साथ जो है उनको फिलअप होगा। ये आज ये जो नोटिफिकेशन है वो आज ही का है, 9 सितंबर 2024 का है, तो DMLT का भी और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग। ओके, आप सभी को हम पहले ही बोले थे कि आपका जो है एग्जामिनेशन होंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जामिनेशन डेट है वो MSc नर्सिंग वालों के लिए जो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, MSc नर्सिंग वालों को 24/9 से स्टार्ट है एग्जामिनेशन, वाला एग्जामिनेशन जो है 24/9 को है और लास्ट जो है 3 अक्टूबर को है, यानी 3/10/2024 को लास्ट एग्जामिनेशन। ओके, और साथ में हम बता दे रहे हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वालों के लिए तो 19/9 यानी कि 19 सितंबर 2024 को जो है पहला एग्जामिनेशन है थर्सडे को वीरवार को नर्सिंग फाउंडेशन की, और सेकेंड एग्जामिनेशन जो है 23 सितंबर को है जो कि न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स है, और 25 सितंबर को जो है बायोकेमिस्ट्री की है। ओके, और अब हम बात कर लेते हैं BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए, तो इनका सितंबर में जो पहला एग्जामिनेशन है वो है 20 सितंबर को, यानी कि 20 सितंबर को जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है, सेकंड जो है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का है 23 सितंबर, फिर 25 सितंबर को जो है नर्सिंग फाउंडेशन की है, फिर 27 सितंबर को जो है साइकोलॉजी की है, फिर 30 सितंबर को जो है माइक्रोबायोलॉजी, और लास्ट जो है इंग्लिश की जो है क्वेश्चन है। ओके, तो आप सभी का जो है एग्जामिनेशन होना है, समय पे ही होगा। आप जो है अपना फॉर्म फिलअप जल्द से जल्द एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप जो है जल्द से जल्द करवा लें। ओके, ऐसे ही नोटिफिकेशन जानने के लिए है सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक नॉलेज को। ओके, क्योंकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले हम मेडिक नॉलेज के थ्रू आपको बता दें, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच पाए। ओके, तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।